करा कि नहीं करा, पर एक काम अच्छा करना, जहां से मुर्दे शमशान के लिए जाते हो, जहां से मुर्दे शमशान के लिए जाते हैं, हम शमशान में नहीं करें क्योंकि शमशान में मुर्दे सब दूर घूमते नहीं है, पर रोड से तो जाते हैं। जिस रोड से शमशान का जो मार्ग है, उस शमशान के मार्ग में बन सके तो जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाना, जिससे कोई मुर्दा भी निकल कर जाए तो वो तर जाए। एक बेलपत्री का वृक्ष, और वृक्ष ऐसे मत लगाना जैसे आज के लोग लगाते हैं, वृक्षारोपण करना है। 14 दिन तक वृक्ष रहता है, इसके बाद रोपण ही रोपण रहता है, वृक्ष गायब हो जाते। इतने इतने से पौधे लाए, पांच पांच पचास पचास रुपया के वो लगाए, मालूम पड़े कोई ने पानी दिया नहीं दिया और सारे वृक्ष चले गए। ऐसा वृक्षारोपण नहीं चाहिए, वृक्षारोपण ऐसा करना। वृक्षारोपण करने से पहले सुन लो, बेलपत्री के पौधे को घर में लेकर आओ, उसको पालो, बड़ा करो, बड़ा कर कर फिर उसका जब पौधा तुम्हारी हाइट जितना हो जाए, तुम्हारे रूप जितना हो जाए, 5-6 फीट का, तब उसको शंकर जी के मंदिर में लेकर जाओ, उस बेलपत्री से शिव जी का स्मरण कराओ, उन दोनों की पूजन करो, फिर उस बेलपत्री के पौधे को जब बड़ा हो गया, पाल पोस के तुमने बड़ा कर लिया, बच्चे की तरह, बेटी की तरह, फिर उसका कन्यादान जैसे करते हैं, ऐसा ले जाकर उस वृक्ष को कहीं अच्छी जगह पर लगा दो, इसको वृक्षारोपण कहते हैं। ये नहीं कि इतना सा लाके लगा दिया और उसको बकरी खा गई। आज लगाया, कल गायब हो गया। पूछा क्यों रे, कल यहां पेड़ लगाया था कहां गया, तो के बकरी चराने वाला आया था, तो पेड़ ले गया, बकरी खा गई। नहीं, एक वृक्ष को लगाओ, पर उसको पाल पोस कर बड़ा कर कर लगाओ। बेलपत्री का एक वृक्ष, एक पत्ता बेलपत्री का बहुत बल रखता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, जिसको लग रहा है कि मेरे घर में किसी ने बंधन है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा विकास नहीं हो रहा, मेरी उन्नति की ओर नहीं बढ़ पा रहा, सारे उपाय कर लिए और मैं उन्नति की ओर नहीं बढ़ रहा, तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 16 दिन श्राद्ध के चल रहे हैं, जितने दिन निकल गए निकल जाने दो, जितने दिन बचे हैं, एक छोटी सी कटोरी में गंगा जल, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और थोड़ा सा वही जल बचाकर शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। ये 16 दिन निकलेंगे, आपको खुद नवरात्रि में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ करा कि नहीं करा। थोड़े से जल में गंगा जल मिलाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डालिए, और थोड़ा सा जल देवाधिदेव महादेव को, उसी कटोरी का जल, ये उसी पात्र का जल, उसी कलश का जल, चाहे तो आप कटोरी में ले जाओ, चाहे तो आप गिलास में ले जाओ, चाहे तो आप तांबे के पात्र में ले जाओ, चाहे तो आप कलश में भर कर ले जाओ, या रोज जल चढ़ाने जाती है उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के ले जाओ। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा दिया, उसी जल को ले जाकर थोड़ा सा बचा हुआ शिव जी को चढ़ा दिया। बाबा से विनती कर ली, बाबा हमारी उन्नति नहीं हो रही, बड़े दुखी हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत कष्ट में हैं, बाबा संभालना। अभी जितने दिन बचे उतने दिन तो चढ़ा, उतने दिन तो समर्पित कर। समय आया, देवराज के बाद में कथा आती है, बिंदुग नाम का ब्राह्मण, इसने भी गलत कर्म करा और दीवाल से कूद गया, पानी में जाकर डूब गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा सर्प के डसे से मरा हुआ। इनकी मुक्ति नहीं होती कभी भी। सुन लो अशोक नगर वालों, ध्यान से, मरने का भी प्लान बनाओ तो पानी में डूब के कभी मत मरना। किसी किसी को मन में आता है कि मैं सुसाइड करूं, तो निवेदन है कि थोड़ा चेंज करो, ओल्ड फैशन है कुएं में डूब के मरना, पानी में डूब के मरना, कुछ न्यू फैशन लेकर। हमें नहीं मरना पानी में डूबकर, न्यू फैशन कैसा, बस
अब तो जैसी जिंदगी मिली है इसी को निभाऊंगी, भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करूंगी और उसका भजन करते करते मर जाऊंगी पर पानी में डूब के नहीं मरूंगी। क्यों मरना पानी में डूब के? बिंदु पानी में डूबकर मर गया तो प्रेतयोनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने कथा श्रवण करने का मन में विचार करा, भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, हे भोलेनाथ कृपा करिए, हे शंभु करुणा करिए। तब देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती के साथ ईसर जी और गोरा जी बनकर पहुंच कर शिव महापुराण की कथा का रस स्वादन किया। आनंद के साथ तर्पण शिव महापुराण की कथा चल रही है। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं या यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप स्मरण रहे अपने पूर्वजों के नाम से सुने। जो टीवी के सामने या मोबाइल पर सुन रहे हैं, दो दाने हाथ में चावल के लेकर या एक बेलपत्री लेकर कथा श्रवण करें। वो चावल का दाना अपने पूर्वजों के या तो फोटो हो तो उनके सामने चढ़ा दें या छत के ऊपर डाल दें चिड़िया पक्षी के लिए। बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करते जाएं। प्रतिदिन एक बेलपत्री या प्रतिदिन नहीं कर सकते तो एक बेलपत्री को सात दिन या चावल का दाना दो रखकर ये तर्पण शिव महापुराण की कथा को सुनो, जिससे जीव की गति हो और उसका मोक्ष हो।